नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार परिवार आज रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है और तमाम वो काम कर रहा है जो इस परिवार ने कभी नहीं किए। मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, अब्बास अंसारी जो बड़ा बेटा है वो जेल में बंद है, उमर अंसारी वो जमानत पर बाहर है और जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है आफसा अंसारी वो फरार है, 75,000 की इनामी है। तो इस परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पुलिस का शिकंजा ना हो और जो कोई अपराध इस परिवार ने ना किया हो। लेकिन आज बात करेंगे अब्बास अंसारी जो बड़ा बेटा है मुख्तार अंसारी का, कासगंज की जेल में बंद है और वो दावा ऐसा है सूत्रों के हवाले से दावा ऐसा किया जा रहा है कि आज अब्बास अंसारी जेल में दहाड़े मार मार कर रो रहा है, गुहार लगा रहा है कि एक बार अब्बा को देख लेने दीजिए। इसी को लेकर आज अब्बास अंसारी ने रात ही हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी लेकिन याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी तो हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा अब्बास अंसारी को। उसके बाद अब्बास अंसारी के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि जिससे कि अब्बास अंसारी को उसके अब्बा के जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी जा सके, कुछ देर का पैरोल दिया जा सके। लेकिन जो अब्बास अंसारी आज न्यायालय के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि अब्बा को देख लेने दीजिए, जरा एक बार सुनिए वो चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव 2022 का जब उत्तर प्रदेश में था उस वक्त क्या कुछ कहा करता था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाए। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अब्बास अंसारी का वीडियो आपने देखा, ये 2022 का है जब ये चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, जब यूपी में चुनाव था उस वक्त हिसाब किताब करने की बात कर रहा था लेकिन आज परिवार जो है वो न्यायालय के सामने गिड़गिड़ा रहा है और उसे उम्मीद है कि न्यायालय अब उनका फैसला करेगा। आप जरा सोचिए कि आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि मेरा न्यायालय पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है और आपने ही दिखाया कि 2022 का एक वीडियो विधानसभा चुनाव के पहले का शायद जी, उस वक्त ये कह रहा था कि जितने सरकारी अफसर हैं वो समझ लें, मैं अखिलेश से बात करके आया हूं कि किसी को यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, यही के यही पहले हिसाब किया जाएगा। वो सरकारी कर्मचारियों को कैसे खुलेआम धमकी दे रहा, यही मैं यहां के लोगों को बोल रहा हूं कि जो आज सहानुभूति दिखा रहे हैं ना वो समझ लें कि मुख्तार अंसारी और उसका परिवार है क्या चीज। ये आदमी सरकारी कर्मचारियों को बेइज्जत करना, मारना पीटना, धमकी देना, डीएसपी का सरेआम चौक पे शर्ट फाड़ दिया था ना इसने बेइज्जत करने के लिए, कहा था ना कि जूता खोल के मुंह पे मारूंगा और उसके लिए सहानुभूति है। कैसे कैसे लोगों को मारा है इसने, 100 से ज्यादा तो मर्डर करवाए, 97 केसेस हैं इसके परिवार पे, ये सारा बेगम बहू भाई सब जेल में है इसके। बिल्कुल, और ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये रॉबिन हुड है, ऐसा होता है रॉबिन हुड क्या? हाँ, ये इस तरह का हत्यारा होता है क्या? ये मुख्तार अंसारी क्या चीज है मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपको। कृष्णानंद रॉय एक नेता हुआ करते थे जी, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजल अंसारी उनके खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए वो और जनता ने सपोर्ट कर दिया, वो जीत गए। अब इसके ईगो पे इतना ठेस पहुंचा मुख्तार अंसारी उसके परिवार पे कि चारों ओर से घेर कर जी और तब तक गोलियां बरसाते रहे, मतलब कि जितने लोग थे सबने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। वो 7 लोग थे और 7 के 7ों मारे गए थे जी। और जब कृष्णानंद राय का पोस्टमार्टम हुआ तो पता है उनके शरीर से कितनी गोलियां निकली थी, 67 गोलियां सिर्फ शरीर से निकाली गई थी पोस्टमार्टम के समय। सोचिए किस विभत्स तरीके से हत्या किया होगा, और सिर्फ हत्या नहीं किया, उसके बाद उनकी चुटिया को काटा और उनकी चुटिया लेके ये मऊ बाजार में चारों तरफ घूमा करता था।
आज ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना कि मुख्तार अंसारी जी बहुत महान शहीद थे, इनको मारा गया। कोई पूछा नहीं है जय राय से, कांग्रेस के नेता है ना जी, प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश कांग्रेस से, एक बार कोई उनका बयान ले ले और पता चल जाएगा कि मुख्तार अंसारी के मरने से वो और उनका परिवार खुश है या नहीं खुश है। अरे राजनीति के चक्कर में कुछ भी थोड़ी ना कर दीजिएगा। ये अजय राय जिंदगी भर केस लड़ते रहे इसी मुख्तार अंसारी के खिलाफ, अजय राय के बड़े भाई की हत्या कर दी, अजय राय खुद भागे हुए चलते थे, और आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि माननीय मुख्तार अंसारी जी के मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या परवरदिगार वगैरह क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब शर्म भी नहीं है जरा भी नहीं शर्म। पंकज जी कम से कम अपने ही उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लिया होता मुख्तार अंसारी कौन सी चीज थी। उस बात पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मुख्तार अंसारी पिछले 18 साल से जेल में बंद है, क्या इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था कि वक्त कब बदल जाए पता नहीं चलता, वक्त का तकाजा है ये। जिस तरीके से आजम खान का जेल डीएमवीएम कुछ नहीं होता है, इस तरीके से ये भी जूते की नोक पर रखने की जो बात कर रहा है ये भी, और आज क्या हाल है इसका। बिल्कुल नहीं, तो मैं बोलता हूं ना कि एक अस्थाना साहब थे जेलर लखनऊ जेल के जी। उन्होंने तो राइटिंग में सब कुछ लिखा है ना, डिटेल रिपोर्ट तैयार करके उत्तर प्रदेश शासन को सौंपा था जी। कि मुख्तार अंसारी जैसे ही जेल में आया तो एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया, इसका जो सेल है वीआईपी सेल को सजाया गया, उसमें कलर टीवी रखा गया, सोफा रखा गया, डनलप का गद्दा उस वक्त आया था, बैडमिंटन कोर्ट इसलिए ताकि अधिकारी लोग आके इसके साथ बैडमिंटन खेला करते थे, दरबार लगा करता था, जेल के अंदर मोबाइल था, ये सब तो अस्थाना साहब एम अस्थाना उनका नाम है, पूरा डिटेल रिपोर्ट तैयार करके दिया था। और इस रिपोर्ट के जब पब्लिश हुआ ये रिपोर्ट तो धमकी दी गई थी अस्थाना साहब को कि तुम जेलर हो, जेल के अंदर हो ना, बाहर निकल देना, बता देंगे तुमको, जिंदा नहीं रहोगे ठीक। और वो जो शैलेंद्र से डीएसपी थे जिन्होंने इसके खिलाफ पोटा लगाया था, उनके घर पे उनके परिवार को क्या क्या नहीं किया, बच्ची स्कूल जाती थी तो बीच रास्ते नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, नौकरी छोड़ दिया, इस तरह प्रताड़ित किया गया जी। बिल्कुल कृष्णानंद की बात की, मैं एक बार जो सुनवाना चाहूंगा दर्शकों को कि इस जो है मुख्तार की मौत के बाद उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है। लड़ाई करेंगे, पुलिस हटा देगी सबको। क्या कहना चाहेंगे, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई इस पूरे मामले में जी। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था, आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण उठाने में सरकार की साजिश बता रही हैं और सरकार को घेर रही हैं। ये गलत बात है, ये देखिए तुष्टिकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि रमजान अपराधी में मजहब ढूंढ रहे हैं, और जो है कृष्णानंद राय का जो परिवार है वो आज बेहद खुश है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने गया। नहीं, मेरा तो ये कहना है अभिषेक, एक बार अजय राय का कोई बयान लेके आ जाए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पूछे जरा कि वो खुश हैं या नाराज हैं, मुख्तार अंसारी को मारा गया है कि स्वाभाविक मौत, सारी बातें वही पता चल जाए कि कांग्रेस जो कह रही है ना कि अजय राय वो कह रहे हैं या नहीं। ठीक है पंकज जी, ये इस पूरी जिंदगी बेचारे भागते चले हैं, इस बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा अब्बास अंसारी, जो वीडियो आपने देखा और जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो याचिका दायर करते फिर रहे हैं कि अब्बास के आखिरी जो है आखिरी बार देख लेने दीजिए। देखिए ये मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अफजल अंसारी, ये सब हैं कौन लोग, ये मऊ के जिला स्तर के गुंडे हुआ करते थे, वो तो मुलायम सिंह की सरकार आई और इन लोगों का पालन पोषण इस तरह किया गया, पुलिस का संरक्षण इस तरह प्रोवाइड किया गया कि मैं बार बार बोलता हूं एक बात कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करती है, उसी तरह मुलायम सिंह वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बात करते थे। हर जिले में एक उनका अपना पाला हुआ माफिया था, कहीं कोई डीपी यादव था, कहीं कोई मुख्तार अंसारी था, कहीं अतीक अहमद था, कहीं और भी बहुत सारे थे, 80 जिलों में ये बाबू बजरंगी वगैरह सब सारे थे, उनके पाले हुए गुंडे थे, तो हर जिले में उसने गुंडा पाल रखा था और पुलिस संरक्षण प्रोटेक्शन उनको मिलता था, और छोटी मोटी ठेकेदारियां टेंडर वगैरह का, किसी की हत्या करवा देनी हो, किसी का अपहरण करवाना हो, किससे फिरौती वसूलनी हो, यही सब काम इनका था ठीक।
तभी तो मुलायम सिंह यादव सत्ता में बैठ के कहा करते थे ना कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, रेपिस्टों गलती हो जाती है, लेकिन आज यही बोला था ना, बिल्कुल बोला था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये सब ये मुख्तार उख्तार ये सब है ना, छोटे दो कौड़ी के गुंडे थे, इनको इनका इतना महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। गोली से जिंदगी शुरू हुई, जेल में मौत हो गई, कोई महापुरुष नहीं था ये सब, कोई स्वतंत्रता सेनानी साइंटिस्ट डॉक्टर बिजनेसमैन ये सब नहीं था, अरे गली के गुंडे थे, मारे गए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन परिवार का आरोप है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया और धीमा जहर देकर मार दिया गया। वहीं जब इस बात जो कासगंज जेल में उनका बड़ा बेटा बंद था अब्बास अंसारी, जब उसे ये बात पता चली तो सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया गया कि वो वहां रात भर बैठकर रोया है और लगातार पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है जिससे कि वो अपने अब्बा के जनाजे में शामिल हो सके। लेकिन यही वो अब्बास अंसारी है जो 1.5 साल पहले हिसाब किताब करने की धमकी दिया करता था। तो आज शासन बदला है, प्रशासन बदला है और हालात भी बदले हैं। तो आप इन हालात, बदले हुए हालातों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।